Hey guys, good morning and welcome back to Rambling Boundaries. यहाँ पे चला हुआ था अपना वीडियो एडिटिंग का काम, खाना वगैरह यहीं पे बिस्तर पे खा लिया भाई। भाई हर जगह गंदी ही गंदा है क्योंकि काफी टाइम के बाद आज घर ओपन हुआ है, पूरा भाई पेंट हो चुका है ऊपर तक। बाहर खड़ी है अपनी बाइक, बाहर बाइक के पास गया था भाई, हाथ जल गया मेरा, बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है इंजन। मम्मी यहाँ पे बोल रही थी सेटिंग करनी है भाई, हर जगह कबाड़ भरा पड़ा है, पूरी साफ सफाई। मम्मी मैं करता हूँ, एक मिनट रुको मैं करूँ। सुबह से लेके अब तक भाई सिर्फ इतना काम हुआ है, ये सारे बल्ब जो है भाई पूरा पैकेट फुल था, ये तो जितने भी बल्ब थे सारे हमने चेंज कर दिए बाहर वाले, सिर्फ एक वो रह गया बाहर वाला, उसको लगाना पेंडिंग है। पूरा घर जो है ब्राइट हो चुका है, अब बचा सफाई का काम। अब करते हैं सफाई, पहले जाके आते हैं सुंदर नगर मेन मार्केट, फिर वहाँ से थोड़ा सा सामान लेकर के आएंगे। ओ भाई गाड़ी में क्या गर्म, गाड़ी में तो पूरे चाय आप अंडे उबाल लो, इतनी गर्मी है। अपना घर जो है सुंदर नगर में नहीं है, सुंदर नगर में महादेव जो हमारे गांव का नाम है ये है महादेव। आज छोटे भाई का लाइसेंस आने वाला है, 26 साल के बाद आज जो है छोटे भाई का लाइसेंस आने वाला है, वो हम पिकअप करने के लिए जा रहे हैं अपना SDM ऑफिस सुंदर नगर। बहुत टाइम लगा उस लाइसेंस को बनने के लिए, उसके चक्कर में छोटा अभी तक गाड़ी नहीं चलाता है हाईवे में। इस रोड के साथ मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, स्कूल जाना साइकिल में, साइकिल से बाइक हुई, बाइक से गाड़ी हुई, और धीरे धीरे कारमा बढ़ता जा रहा है। दोपहर के बज रहे हैं 1:16 और शायद हम लेट हो चुके हैं यहाँ पे। आजकल जैसे सावन का महीना तो कथा वगैरह चली हुई है। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद जब अपने घर आते हो, अपने होम टाउन आते हो और किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता है, जितने भी फेसेस होते हैं वो पहचान में नहीं आते कि कौन क्या है भाई, या तो कोई मोटा हो गया होता है या तो कोई पतला, और कोई पहचान से बाहर हो गया होता है। ये हमारी जो रात को दिखाई थी सुंदर नगर की, उधर है अपना माता का मंदिर, सामने भवनबाड़ी। क्या मस्त मज़ेदार है सारा एक्सपीरियंस घर पे आने का। हमें गियर शिफ्टर सेंसर नहीं डलवाया और गाड़ी मेरी बिल्कुल सेट होगी। अब पता नहीं इसको क्या इसमें भूत आ गया है, सारे सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। और ये यहाँ पे वेलकम टू सुंदर नगर का साइन बोर्ड लगा हुआ है, बर्गर पॉइंट है, यहाँ पे बर्गर वगैरह खाने के लिए बंदे रुकते हैं। और भाई सारे देखो राइडर्स वगैरह यहाँ पे रुकते हैं, अगर कोई मनाली आ रहा है। मंडियाली धाम लास्ट टाइम हमें नहीं मिला था खाना जब हम मनाली से आ रहे थे, तो मैंने गाड़ी फुल फास्ट स्पीड से आ रहा था कि हमें मंडियाली धाम खाने को मिल जाए, बट हमें नहीं मिली थी उस टाइम। और हाँ, आप इनवाइटेड हो मेरे छोटे भाई की शादी में, तो आप वहाँ पर आ सकते हो और आपको मंडियाली धाम खाने का मज़ा ले सकते हो। ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि गर्मी यहाँ पे उतनी है जितने आपका नीचे चंडीगढ़ में है। भाई काफ़ी बड़े शोरूम्स आ गए हैं यहाँ पे, पीटर इंग्लैंड ट्रेंट के भी आ गए। भाई ट्रेंट का शोरूम मतलब काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है अभी हमारा सुंदर नगर, पहले भी था बट अब कुछ एक्सट्रीम लेवल का हो चुका है। तो भाई लापिनोज पिज़्ज़ा ये मैंने चंडीगढ़ में देखा था, और दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे देख रहा हूँ लापिनोज का। अपना MLSM कॉलेज जाने के लिए रास्ता जाता है, और ये जो गेट है इस गेट की बात हो रही थी, ये क्रॉसिंग के लिए इन्होंने बना दिया है, तो ये एक अच्छी पहल है अगर जो कोई हॉस्पिटल जा रहा है यहाँ तो फिर सड़क क्रॉस कर रहा है। हालांकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक अभी है नहीं, बट जब कॉलेज वगैरह छुट्टी होती है उस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने बना दिया गेट। छोटा PGI तो सुंदर नगर का छोटा PGI यहाँ पे रहता है। अपने कॉलेज की पूरी याद ताज़ा होगी क्यों छोटे, यहाँ से डेली अप डाउन करना। लाइसेंस की देखिए यहाँ पे हालत क्या ख़राब थी भाई, यानी कि कोई भी यहाँ पे आए और लाइसेंस चेक कर सकता है कभी भी एनी टाइम, जब जो ऑफिस आर्स हैं यहाँ पे, तो लाइसेंस तो भाई उनकी हालत इतनी खस्ता थी। अगर कोई पुलिस वाला अगर चेक भी करता है ना, इवन हिमाचल पुलिस भी अगर चेक करती है ना, तो वो भी इसको डुप्लीकेट करार दे देगी। अगर जो इन्होंने मेरे को लाइसेंस इशू किया था, मैं जब नया लाइसेंस देते हैं ना, मैंने इनको दे रहा था, मैं कहा ये लो वापस, तो बोलते ये तो डुप्लीकेट है। हाँ? कई इशू किया, वो खुद ही बोलते थे कि डुप्लीकेट है, मैं कहा भाई आपने दिए। बीच में लोग गाड़ियां खड़ी कर रहे थे, उसको तो पुलिस वालों को कुछ बोलना चाहिए ना। लाइसेंस देखो वो डुप्लीकेट पकड़ा देते हैं, बस कागज है भाई खाली A4 कागज होता है, उससे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है, बट ये अगर इस कागज में पानी लगेगा ना, तो ये पूरा लाइसेंस आपका साफ हो जाएगा, जैसे कि मैंने बहुत से यहाँ पे लाइसेंस देखे हैं। मतलब नया लेने के लिए 900 रुपये। भाई फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज, है ना, ये सारा कुछ नया हो गया। मैं तो अपने कॉलेज कम से कम
चार साल हो गए होंगे, कितने सालों बाद आया है यहाँ पे? तो फोटोग्राफर की दुकान हुआ करती थी। अच्छा, उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर ली। अभी NSUI आपका स्वागत करती है। इलेक्शन ड्यूटियाँ यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये काम रहता है, जब भी हम जिस टाइम इस कॉलेज में थे तो उस टाइम भी यही था भाई, इलेक्शन ड्यूटी और इधर उधर भागा दौड़ी और अपना ATM जिसका शीशा कभी ठीक नहीं हुआ, और इस साइड से हम नीचे आते थे क्लासेस ले आने के लिए। और ये भी पूरा नया बन गया भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, पूरा ही मेकओवर कर दिया ना, पूरा पूरा भाई। हनुमान जी से तो आशीर्वाद लेना बनता है। अभी मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपने कॉलेज की बैक साइड में, और जहाँ पे हम अक्सर बैठा करते थे अपने चार दोस्त, और उसके बाद यहाँ पे गेड़ियाँ मारा करते थे, स्टंट गाड़ी में यहीं पे लगाया करते थे हम। बट यहाँ पे अभी जो है भाई बंद कर दिया, सिर्फ गाय वगैरह बैठती है। तो ये है कॉलेज का, राजाओं के टाइम का है पुराना, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स वगैरह जो भी बनी है तो राजाओं के टाइम की बिल्डिंग्स है। सुकेत के जो महाराज होते थे वो यहीं पे रहते थे। यहाँ पे पूरी भाई इस टाइम घास वगैरह प्रॉपर अपने सुरूर में यहाँ पे बैठा करते थे हम भाई इस बिल्डिंग पे। जैसे सर्दियाँ वगैरह होती है यहाँ पे, आगे मैं जॉनी, पर यहाँ पे ना अभी किसी को आने नहीं जाता क्योंकि उल्लड़बाजी ज़्यादा होती है। और यहाँ से एक रोड जाता है सीधा और ऊपर महामाया का मंदिर है, तो वहाँ के लिए भी रास्ता यहीं से है। अब यहाँ पे सिर्फ पैदल रास्ता छोड़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ से हम बाइक लेकर के आ जाया करते थे। डिसेंट सा बन चुका है अब कॉलेज हमारा, वहाँ पे जिम ओपन हो गया है। कॉलेज आओ, जिम लगाओ भाई। लाइब्रेरी भाई, लाइब्रेरी में शोर होता है क्या भाई? लाइब्रेरी में पूरा शोरगुल चला हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरी का भी एक किस्सा है। लाइब्रेरी में हम बैठते थे ना तो दोस्तों ने बैठ जाना, कुछ भी ऐसे खुसफुस भी करते थे ना, एक बेचारा आता था यहाँ पे, लाइब्रेरियन होता था, उसके कानों में सुनाई नहीं देता था बेचारों के, सुनाई नहीं देता था ना, कि बोलता भी नहीं था वो, शायद मेरे टाइम पे नहीं था, शायद हमारे टाइम में था वो। बेचारे बहुत अच्छे थे, यानी कि इनोसेंट पर्सन थे यहाँ पे। बट अब पता नहीं कैसा है यहाँ पे एटमोसफियर है, बट उस टाइम पे बहुत मजा किया करते थे हम यहाँ पे। बस मजे की सजा आप देख ही रहे हो अब क्या हो रहा है। नहीं भाई, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते भी आराम से भाई, हेडफोन लगा के पढ़ रहे हैं अंदर। हेडफोन लगाए और पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में। तो भाई राजाओं के टाइम का, राजा रहते थे बट यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रिंसिपल रूम ये हुआ करती थी अपनी कैंटीन। अब तो पूरी कैंटीन भी चेंज हो चुकी है, बिल्डिंग ही चेंज कर दी ना पूरी बिल्डिंग। अभी आई थिंक छुट्टियाँ चली हुई ना यहाँ पे, और भाई NSUI वाले बैठे हुए अपने पूरे जोरों शोरों से कि वोट हमें पढ़ने चाहिए इलेक्शंस में। अब मुझे पता नहीं एक्साइटमेंट में बोल क्या रहा हूँ, बट जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। मन कर रहा है कि फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लें एक बार। कॉलेज का एक भी फ्रेंड नहीं मिला मुझे, ताज्जुब की बात तो ये है। सारे इधर उधर हो गए भाई, या तो कोई फॉरेन सेटल हो गए, कोई अपनी जॉब में है। एक टाइम हुआ करता था जब हम लोग बाइक पे आया करते थे यहाँ, अब का टाइम ये है भाई कि जो स्टूडेंट है वो सब गाड़ियों में आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो टाइम कितना चेंज हो रहा है भाई, कहाँ बाइकें और कहाँ गाड़ियाँ। अब बाइकों में जाते हैं बच्चे स्कूल और गाड़ियों में आते हैं लोग कॉलेजेस में, तो ये डिफरेंस अभी आ चुका है। यहाँ की जो स्टोरी है वो कुछ इस टाइप से है कि जो सुकेत के राजा थे, राजा लक्ष्मण सेन थे, मैं हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल दूँ, बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। जो राजा थे महाराज लक्ष्मण सेन, उन्होंने यहाँ की पढ़ाई को और ज़्यादा विकसित करने के लिए अपना जो राजमहल था या जो भी थे वो सारे बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह दान में दी गई थी कॉलेज के नाम पे, ट्रस्ट खोला था बेसिकली। तो इसीलिए इसका नाम MLSM है, महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज। और इन्होंने साथ में नीचे हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स भी इन्होंने ही दान में दी थी। तो अभी छोटा भाई गया है भाई शादी की गाड़ी को डेकोरेशन करने के लिए, वो रेट सेट पूछेंगे। तो हमारी मैक्सिमम गाड़ियाँ सुंदरनगर के यही डेकोरेशन करते हैं। तो भाई यहाँ से हम अब गाड़ी लेकर जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे गाड़ी जाती भी है नहीं, बट यहाँ पे एक चेन लगी रहती थी जो कि आपको रोकती थी कि नीचे गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते। बट फिलहाल मैं नीचे गाड़ी लेकर के ही जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे है बब्बू पंसारी जो कि यहाँ पे फेमस है, जहाँ पे पंसारी का सारा सामान मिल जाता है। भाई मुझे छोड़ के सबने तरक्की कर ली है, म्यूजिक वर्ल्ड की भी भाई दूसरी ब्रांच यहाँ पे ओपन हो चुकी है, क्योंकि जब भी हमने कभी सामान लेना होता था फोन वगैरह कुछ भी, फोन से रिलेटेड एसेसरी, तो सारी म्यूजिक वर्ल्ड नाम एक ही आता था, म्यूजिक वर्ल्ड। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, अगर जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं उनको पता है कि म्यूजिक वर्ल्ड कहाँ पे है और क्या मिलता है वहाँ पे। भाई बहुत मुश्किल से यहाँ से गाड़ी निकाली है, ऊपर तो एक जगह मेरी गाड़ी फंस गई, ना तो रिकॉर्डिंग ऑन हुई और ना तो कुछ हो रहा था भाई, क्योंकि बहुत क्लोज गली है ये। और भाई मैंने सोचा था बारिश बहुत तेज होगी, बट यहाँ पे बारिश का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। हाँ सवेरे छोटे मोटे बारिश के छींटे पड़े थे और उसके बाद जो है भाई बादल हो रखे हैं, पेक ऑफ। अभी हम खड़े हो चुके हैं अपना बर्गर पॉइंट में। हाँ जी, दो बर्गर ना, ना कोई ना बना दो, तब तक ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो गर्मी में खाए नहीं जाएंगे गर्मा गर्म। और वहाँ पे जाकर के अपनी खड़ी है
रैम्बलिंग बाउंड्रीज। इसमें डलता है टिक्की, चने और चटनी। अभी मैं आया था धनोटू में और यहाँ पे अपने कटिंग वगैरह करवाई, क्योंकि भाई कल फंक्शन है और फंक्शन में तैयारी करनी है। तो आज सवेरे से लेके शाम तक भाई काफ़ी भागा दौड़ी हो रखी है। तो अभी कटिंग वगैरह करवाने के बाद अभी मैं फिर से जाऊँगा सुंदरनगर। तो छोटा मोटा जो काम है वो पेंडेंसी में है, उसको लेकर के आते हैं। भाई बार बार स्क्रीन उस साइड देख रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है और स्क्रीन की तरफ बार बार ध्यान जा रहा है, क्योंकि कैमरे का पता नहीं कि कहाँ जैसे क्या देखना है, अभी बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो ये है हमारे धनोटो की कृषि उपज मंडी। यहाँ पे भाई आपको गायें ऐसे ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है इनका जमावड़ा लगा रहता है, क्योंकि इस साइड जो इनको फ्रूट वगैरह खाने को मिलते रहते हैं। नीचे पूरी सब्जी मंडी है, आज ही इवन यहाँ पे कथा स्टार्ट हुई है। तो भाई सवेरे से मैं पता नहीं यहाँ पे 4-5 राउंड तो लगा ही चुका हूँ, सुबह से लेकर शाम तक है। शाम के बजे हुए 6, अभी मैं जा रहा हूँ फिर से घर वाली साइड, छोटे भाई को लेकर के आता हूँ। तो भाई अभी फिर से हमारा, सवेरे जब गए थे उस टाइम काम हुआ नहीं और याद रहा नहीं वो वाला काम। अक्सर ये चीज़ें हो जाती है, अगर आप घर से निकलते हो तो दो काम करते हो और दो पेंडिंग रह जाते हैं। और मौसम बाहर बादल पूरे भरे हुए हैं इस टाइम, तो बारिश कभी भी आ सकती है। और इस साइड क्या ऑसम व्यू है भाई। बीच सड़क में कहाँ जा रहे हो? देख भाई, रोड क्रॉस करेंगे या तो फिर बीच सड़क में आ जाएंगे। भाई इस टाइम ना पीछे से बसेस इतनी चली होती है ना लोकल, और गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक भाई हर जगह भाग लिए हैं, पर हमें कार पार्क के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली है। अभी फिलहाल हम आए थे यहाँ पे, थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान वगैरह देख रहे हैं। गाड़ी हमने यहाँ पे लगाई थी, तो बोल रहे हैं यहाँ पे आपका चलान भी हो सकता है, तो इसीलिए हम भाग के आए हुए हैं। अभी गाड़ी हटाते हैं। वैसे तो बैंक बंद है आज भाई, चलान का यहाँ कोई भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम भी मेरा पेड़ चलान हुआ था और सीधा घर पहुँचा था वो। साइड बोल रहे हैं पेड़ पार्किंग है सारी, और इस साइड अगर आप गाड़ी खड़ी करते हो तो इसका चलान है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान पे रखें और अपनी गाड़ी यहाँ से जल्दी से निकाल लें। सुबह से लेके शाम तक इंतजार करते रहे बारिश का, और 7:03 है अभी और बारिश भाई आ चुकी है। तो सवेरे से भाई कंटिन्यू घुमक्कड़ बने हुए हैं हम, और अब जाकर के घर जा रहे हैं। और घर पे मुझे लगता है सफाई प्रॉपर तरीके से हो पाई है, की है क्या? नहीं हुई है ना। बस अब घर जाकर के सफाई का नंबर लगेगा, सफाई और प्लस बनानी है रोटी। और यहाँ पे है भाई हमारा महादेव टेम्पल 1 किलोमीटर। किसी ने शादी में आना है तो आप सीधा आ सकते हो। तो लोकेशन मैंने आपको पूरी बता दी है, घूम घूम करके सवेरे से लेकर शाम तक बता रहा हूँ कि कहाँ से आपने आना है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको हमारे घर तक पहुँचने की। ओ भाई पता नहीं कितने टाइम के बाद आज बादल का साउंड सुनने के लिए मिल रहा है भाई, जो गरज रहे हैं बहुत सुंदर साउंड आ रहा है भाई, मज़ा आ गया। चंडीगढ़ में ये साउंड हमें सुनना ही नहीं दिया जाता।